काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम पे ट्राई अगेन लेटर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो किसी के पोस्ट को लाइक नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। तो गाइस इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है और आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये वाली प्रॉब्लम कब आती है पहले हम इसका रीज़न जान लेते हैं। जब आप कि कोई भी ऑटो फॉलोअर यूज़ करते हो यानी कि फॉलोअर गेन करने की कोशिश करते हो किसी थर्ड पार्टी ऐप्स की हेल्प से, या फिर फॉलोअर बढ़ाने की निंजा टेक्निक को यूज़ करते हो यानी कि किसी को भी फॉलो करते हो काफ़ी सारे लोगों को और फिर वापस बाद में अनफॉलो कर लेते हो फॉलो बैक आने के बाद, तो गाइस इस वजह से भी आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है। या फिर एनी काइंड ऑफ स्पैम जो कि आप इंस्टाग्राम पर करते हो, लाइक कमेंट सेक्शन पर किसी को स्पैम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो किसी के पोस्ट में, या फिर लाइक अनलाइक इस टाइप की अगर आप चीज़ें इंस्टाग्राम पर करते हो तो आपको ये वाला एरर देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको पहली बार आया तो ये थोड़ी देर में चला जाएगा, अगर लेकिन गाइस आप ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें करते रहते हो इंस्टाग्राम पर तो ये जो एरर है वो परमानेंट भी हो सकता है या फिर काफ़ी लंबे समय तक आपके अकाउंट में रह सकता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। और क्या हो सकता है, आपने 7500 यानी कि 7.5K से ज़्यादा लोगों को फॉलो कर लिया, तो गाइस ये इंस्टाग्राम की एक लिमिट है, इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को फॉलो करते हो तो ये एरर आपको देखने को मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इतने ज़्यादा लोगों को फॉलो ना करें, एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को फॉलो ना करें। तो गाइस अब हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है, ठीक है। प्रोफाइल पर जाइए, ऊपर से 3 लाइंस आपको दिख रही होंगी राइट साइड पर, आपको उस पर टैप करना है। इसके बाद आप सेटिंग पर जाइए नीचे से। इसके बाद गाइस आपको अकाउंट पर जाना है, यहाँ पर आपको शेयरिंग टू अदर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप अदर सोशल मीडिया ऐप से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस आपको क्या करना है, फेसबुक से अपने अकाउंट को लिंक कर लेना। अगर आपके पास फेसबुक आईडी ना हो तो आप क्विकली बना लीजिए, बहुत कम समय लगता है फेसबुक की एक न्यू आईडी क्रिएट करने में, तो न्यू आईडी क्रिएट कर लीजिए और उससे यानी इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक कर लीजिए, ठीक है। इससे गाइस काफ़ी लोगों का एरर जो है बड़ी आसानी से चला जाता है। एरर एक बार हट जाने के बाद आप 24 आवर्स के बाद वापस अनलिंक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर अगर आपकी ऐड भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस अब आपको क्या करना है, आपको अब बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सेटिंग के वापस ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर जाना है, ठीक है। सिक्योरिटी पर जाने के बाद गाइस आपको पासवर्ड पर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना है। किससे चेंज करना है, फॉरगेट करके, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड, तो आप उस पर टैप करिए। आपने जो भी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर एंटर किया होगा उसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो एंटर करने के बाद आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कीजिए। इससे भी गाइस काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको मैं और सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप क्या करो, अपनी प्रोफाइल पर जाओ, ऊपर से वही 3 लाइंस पर टैप करो, नीचे से सेटिंग्स पर जाओ। इसके बाद गाइज आपको हेल्प पे जाना है, यहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर टैप करना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको थर्ड नंबर के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम अगेन। यहाँ पर गाइज आपको इंस्टाग्राम को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ट्राई अगेन लेटर वाली, तो वही हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है और एक स्क्रीनशॉट ऐड कर देना। आप गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, गैलरी पर जाकर गाइस आप इसे स्क्रीनशॉट ऐड कर लो जो भी ट्राई अगेन लेटर का है, जैसे मैं एक ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर गाइस आपको कुछ लिख देना है, मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत रफ में लिख देता हूँ। गाइस एग्जांपल के लिए मैंने ये कुछ रफ में लिख दिया है, आप अच्छे से इंग्लिश में बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना उन्हें, और ज़्यादा पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद गाइस ये सब करने के बाद आप सबमिट पर टैप करोगे। तो गाइस ये जो हमने अभी अपनी मतलब जो प्रॉब्लम है वो इंस्टाग्राम तक पहुंचा दी है। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको अपने अकाउंट को 72 आवर्स तक लॉग आउट रखना है, या फिर अगर आप लॉग आउट नहीं रख सकते तो आप क्या करो, आप वेब ब्राउज़र जैसे आपके पास क्रोम ब्राउज़र होगा तो आप उसमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज़ करो, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो,
अगर गाइज मैं तो आपको यही प्रेफर करता हूँ गाइज कि आप अपने अकाउंट को 72 आवर्स तक यानी 3 दिन तक लगभग अपने अकाउंट को लॉग आउट रखो अगर आपके में ये बहुत दिन से एरर शो ही कर रहा है तो, या फिर अगर आपको पहली बार अगर ये एरर आया है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मतलब आप ये समझ लीजिए 6 आवर्स के अंदर ये आपका ये जो एरर है वो हट जाएगा। और देखिए गाइज जैसे ही हमने इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया तो हमें नोटिफिकेशन भी आ गया इंस्टाग्राम बग रिपोर्टेड। तो गाइज हमारी जो मतलब जो भी हमने रिपोर्ट किया वो इंस्टाग्राम तक तो पहुंच चुका है बड़ी आसानी से। अब इंस्टाग्राम इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है बड़ी आसानी से फिक्स कर देगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। बट कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपके कमेंट के राइट साइड पर एक सब्सक्राइबर बैच आ जाता है, उसके हेल्प से आपका कमेंट सबसे टॉप पर आ जाता है और सबसे पहले मैं आपको रिप्लाई कर पाता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।